गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल फंडा फाइव। आई एम पूनम गुप्ता और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम कब होंगे। क्या वो मार्च में होंगे या जो डेट शीट सर्कुलेट हो रही है न्यूज़पेपर में, मीडिया में, क्या वो सही है या एग्जाम पोस्टपोन होंगे। और दूसरा, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर आज ही उन्होंने एक वेबिनार लिया सुबह 10 बजे, क्या क्या बातें उन्होंने बोर्ड एग्जाम के बारे में बताई कि बोर्ड एग्जाम कैसे होंगे, कब होंगे। तो आज हम उन सब बातों को डिस्कस कर लेते हैं। आज हम उन सब बातों को डिस्कस करेंगे। सब चलिए देखते हैं हम सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम कब होंगे। जो डेट शीट मीडिया में, न्यूज़पेपर में सब जगह आ रही है, क्या वो सही है? तो ये सीबीएसई का एक नोटिस है, पब्लिक नोटिस, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो 10th और 12th बोर्ड्स एग्जाम्स और प्रैक्टिकल एग्जाम्स के बारे में डेट शीट आ रही है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। दीज सर्कुलेटेड इन्फॉर्मेशन इज नॉट करेक्ट, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब जो लोग कह रहे हैं कि सीबीएसई के एग्जाम मार्च फरवरी में होंगे वो सब सही नहीं है। तो सही न्यूज़ जानने के लिए, सही डेटशीट जानने के लिए आपको सीबीएसई की ऑफिशियल साइट पर जाना होगा। साइट का नाम आप यहाँ देख सकते हैं, www.cbse.nic.in। इस साइट पर जब तक डेटशीट नहीं आती तब तक एग्जाम डेटशीट कंफर्म नहीं है, आपको किसी और डेटशीट पर विश्वास नहीं करना। तो चिंता मत करिए, सही डेटशीट आएगी तो हम जल्दी से आपको अपने चैनल से डेटशीट भी पहुंचा देंगे। चलिए अब चलते हैं दूसरी न्यूज की ओर। तो बच्चों, आप यहाँ पर देख रहे हैं सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स 2021 के बारे में कि एजुकेशन मिनिस्टर टू गो लाइव टुडे। आज लाइव वेबिनार से पहले ये न्यूज आ गई थी कि एजुकेशन मिनिस्टर आज 10 बजे लाइव होंगे और कुछ बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट करेंगे जेईई, नीट और बोर्ड एग्जाम्स को लेकर के, जो कि 2021 में होने वाले हैं। तो बच्चों, अगर आपने लाइव वेबिनार नहीं देखा है तो हम जल्दी से देखते हैं इस वेबिनार के सभी अपडेट्स जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने बताए। जो आज सुबह 10 बजे हमारे एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल जी ने बच्चों, स्टूडेंट और पेरेंट्स के साथ एक लाइव सेशन लिया और बच्चों ने उनसे अपने कुछ क्वेश्चंस पूछे जिनके उन्होंने जवाब दिए। तो सबसे पहले तो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर्स ने सभी टीचर्स, बच्चों और पेरेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेशन दी कि वो कोविड-19 में भी उन्होंने इतना अच्छा काम कर रहे हैं और एक विजन के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। जब बच्चों ने उनसे क्वेश्चन पूछे तो उन्होंने उनके जवाब दिए और साथ में लॉकडाउन के बेनिफिट के बारे में भी बताया। जिन बच्चों ने 2019 में एग्जाम दिए थे उन सबको भी उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेशंस दी। तो ये एक अच्छी शुरुआत थी कि मुबारकबाद के साथ उन्होंने अपना एक लाइव सेशन शुरू किया और फिर बच्चों की क्वेश्चंस लिए। तो एक बच्चे ने जब ये पूछा कि क्या इस बार एग्ज़ाम टाइम से होंगे या पोस्टपोन होंगे, तो उन्होंने बताया कि कोविड-19 सिचुएशन पर सब डिपेंड करेगा कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकते हैं। अगर स्थिति बेहतर रही तो एग्ज़ाम जल्दी ही होंगे, वरना पोस्टपोन हो सकते हैं। वहीं बच्चे की क्वेरी थी क्या सिलेबस कम होगा, तो उन्होंने बोला सिलेबस कम होने की गुंजाइश नहीं है बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि 30% सिलेबस हम पहले ही कम कर चुके हैं। तो इसलिए प्यारे बच्चों, सिलेबस इतना ही रहेगा, तो आप ध्यान से पढ़ लीजिए, लेकिन एक मौका आपके पास है कि शायद एग्जाम लेट हो जाए तो आपको रिवीजन के लिए टाइम मिल सकता है। बच्चे का क्वेश्चन ये भी था कि क्या जी एग्जाम में और नीट एग्जाम में सिलेबस कम होगा, जहां तक है सिलेबस पूरा रहेगा। एक बच्चे ने जब पूछा कि क्या जी एग्जाम और नीट के एग्जाम पोस्टपोन होंगे, उन्होंने कहा एग्जाम जरूर होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है, इस बार भी 2020 में भी जी का एग्जाम 3 बार पोस्टपोन हुआ लेकिन आखिर में हुआ। इसी तरह से 2021 के एग्जाम जरूर होंगे। सिलेबस घटने पर अभी कोई डिस्कशन नहीं किया गया है। तो बच्चों, अगर आप जी की तैयारी कर रहे हो, नीट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो पढ़ते रहिए। एक ये अच्छी बात है कि इस बार आपको गैप मिलेगा, बोर्ड एग्जाम और इन एग्जाम की तैयारी के लिए आपको गैप मिलेगा, तो आपके लिए अच्छे चांसेस हैं। आप अच्छे से तैयारी करिए और आगे बढ़िए। बच्चों का क्वेश्चन था कि क्या इस बार 10th और 12th एग्जाम में प्रैक्टिकल एग्जाम्स होंगे।
तो बच्चों जवाब यही था कि प्रैक्टिकल होने के लिए टीचर्स के साथ डिस्कशन होना बहुत ज़रूरी है, बच्चों का टीचर फेस टू फेस मिलना बहुत ज़रूरी है। तो अगर स्कूल खुले तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होंगे, अगर सिचुएशन बेटर रही तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होंगे, लेकिन उसके लिए स्कूल जाना ज़रूरी होगा। और अगर नहीं तो इस पर डिस्कशन किया जाएगा, मतलब साफ जाहिर था कि एग्ज़ाम अगर स्कूल नहीं खुले तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होना मुश्किल है। एक और बच्चे ने पूछा कि क्या एग्ज़ाम ऑफलाइन होंगे या ऑनलाइन होंगे। तो प्यारे बच्चों, नीट और जी के एग्ज़ाम ऑफलाइन होंगे या ऑनलाइन होंगे, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन डिस्कशन होगा और तभी ये बात डिसाइड की जाएगी कि एग्ज़ाम ऑफलाइन होंगे या ऑनलाइन होंगे। तो इन नटशेल हम ये कह सकते हैं कि बच्चों आपके पास गोल्डन चांसेस हैं, आपके सिलेबस करीब करीब जनवरी में ख़त्म हो जाएंगे, और अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन होते हैं तो आपको 30% सिलेबस पहले ही रिड्यूस हो चुका है, आपको रिवीजन करने का बहुत अच्छा टाइम मिल जाएगा। तो अगर अभी भी आपने पढ़ना शुरू नहीं किया है तो अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, तो भी आप बहुत अच्छे नंबर लेकर के पास हो जाएंगे। पूरा सिलेबस होगा इसलिए पढ़ना शुरू कर दीजिए। चलिए, आगे भी कोई और CBSE की अपडेट्स आएंगे, जैसे ही डेट शीट आएगी हम आपको बताते रहेंगे, तुरंत जल्दी से सूचना देंगे इस बात की। हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करो और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।